बिल्कुल मुंह में पानी आ गया होगा ये रेसिपी देख के। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन एंड होम आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे परवल फ्राई मसाला, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। परवल फ्राई रेसिपी के लिए हमने 6 से 7 परवल लिया, जो कि वेट में लगभग 300 ग्राम 350 ग्राम के आसपास में है। और सारे परवल को हम इस प्रकार से चाकू की मदद से छील लेंगे, तो छील के बनाएंगे तो ये बहुत ही जल्दी और खाने में भी बढ़िया लगेगा और जल्दी पक भी जाएगा। तो सारे परवल को हमने इसी प्रकार से छील लिया है और उसके दोनों साइड के डंठल को हमने काट के निकाल दिया है, दोनों किनारे को। तो अब भी इसी तरीके से परवल के दोनों डंठल को निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसे पानी में अच्छी तरीके से धो लेंगे और ये देखिए छीलने के बाद इसमें कलर भी कितना अच्छा इसका दिखने लगा है परवल का। तो सारे परवल को हम निकाल के हम कुछ इस प्रकार से इसे काटेंगे, बिल्कुल दो भागों में काटेंगे इसे, ताकि ये जो है लंबे लंबे पीसेस में इसका जो फ्लेवर आता है वो बहुत ही बढ़िया। और थोड़ा सा हम इधर दोनों साइड से कट लगा देंगे, तो ये देखिए थोड़ी थोड़ी हम कट लगा देंगे ताकि ये जो पकेगा बहुत ही अच्छे से पकेगा, इसका कॉर्नर भी जो पकने के बाद मुड़ता है वो अच्छे से यहाँ पे पकेगा। तो अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, सारे परवल को हमने इसी प्रकार से काट लिया है। और फ्राई पैन में हमने 2 मीडियम साइज़ के चम्मच से तेल डाला है, तेल हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। आप चाहे तो तेल में फ्राई भी कर सकते, लेकिन कम तेल में इस प्रकार से आप बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया इसका फ्लेवर आने वाला है, क्योंकि फ्राई किया हुआ चीज़ और कम तेल में जो पकता है उसका दोनों में स्वाद में बहुत ही अंतर होता है। तो इस प्रकार से मैं इसे एक तरफ पलट के बीच वाले भाग को कवर करके पकाया है। उसके बाद हम थोड़ी देर पर इसे मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे कवर कर करके। तो ये देखिए एक तरफ हमारा कितना बढ़िया इसका कलर आ रहा है इसमें। तो इसी प्रकार से हमने इसके उल्टे साइड को भी हम इसे पलट के इसे पकाएंगे, ताकि हमारा जो परवल है इसे ये जो बहुत ही बढ़िया से पके दोनों साइड से। ये देखिए हमने पलट दिया है, उसके बाद फिर से हमने इसे कवर करके पकाया है। तो इसी प्रकार से आप 4 से 5 बार इस प्रक्रिया को करेंगे तो ये लगभग 15 से 20 मिनट में रेसिपी बनकर झटपट तैयार हो जाती है। तो देखिए मैं इसे, ये देखिए इसमें कितना अच्छा कलर आ रहा है। परवल को लोग, हम लोग के तरफ पटल भी बोला जाता है, आपके क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये देखिए कितना बढ़िया से ये पक रहा है परवल हमारा। ये बारी बारी से आप 2 से 4 बारी से कवर करके पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे, ज़्यादा फ्लेम को तेज़ नहीं करेंगे नहीं तो ये बनना जल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे इतना पकने के बाद, ये लगभग 50 से 60% पक गया, तब हम यहाँ पर ये नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिला के इसे फिर से कवर करके पकाएंगे। टोटल प्रक्रिया में हमें लगभग 15 से 20 मिनट में ये बन जाता है रेसिपी, ये जो परवल फ्राई मसाला की रेसिपी है। और बहुत ही बढ़िया, आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए नमक डालने के बाद इसमें कितना अच्छा से ये पका है और इसका कलर भी आया है। तो अब हम यहाँ पे इसमें मसाले डालेंगे। मसाले में हमने आधी छोटी चम्मच हल्दी, लाल मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा और आधी चम्मच धनिया पाउडर। इसमें मसाला ज़्यादा वैरायटी मसाले की ज़रूरत नहीं है, केवल धनिया, हल्दी और लाल मिर्च से इसे काम चला सकते हैं और बहुत ही बढ़िया बनता है। आपको लगेगा नहीं कि इतने कम मसाले में इतना बढ़िया ये परवल मसाला की रेसिपी बन के तैयार हुई है। तो मसाला डालने के बाद भी हम इसे कवर करके एक बार पकाएंगे, अच्छे से मिला लेंगे पहले, उसके बाद हम इसे भी कवर करके लो टू मीडियम पे पकाएंगे। ये देखिए इसका कलर भी कितना बढ़िया आया है। तो इसे हम मिला के अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी का छींटा यहाँ पे लगाएंगे इसमें, ताकि हमारा जो मसाला हमने डाला है ये बिल्कुल सूखी सूखी ना रहे और ये अच्छे से सेपरेट हो सके। पानी डालने के बाद क्या होता है ना कि मसाले
जो सूखे हैं वो अच्छे से सब्जी में चारों तरफ से अच्छे सेपरेट हो जाते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है और कितना बढ़िया ये पका है पानी डालने के बाद छीटा। तो अब हम यहाँ पे थोड़ी सी हरी धनिया डालेंगे, ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डालें, नहीं तो बगैर धनिया का भी आपको। ये आप रेसिपी को फ्रेंड्स परवल फ्राई मसाला की रेसिपी बन के फाइनली तैयार है। कितना बढ़िया इसका कलर भी आया है, बिल्कुल होटलों जैसी। तो हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया ये बन के तैयार हुआ है ये रेसिपी। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक ले जय हिंद जय भारत।